हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो भाई, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर लाइव क्रिकेट स्कोर जो है वो कैसे दिखा सकते हो और क्यों आपको लाइव क्रिकेट स्कोर दिखाना चाहिए। हालांकि देखो, अगर आपका ब्लॉग जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो भाई इस समय आप जानते ही हो कि आईपीएल सीजन चल रहा है, तो भाई लाइव क्रिकेट स्कोर तो आपको दिखाना ही चाहिए। और अगर आपका कोई भी थोड़ा अदर तरीके का ब्लॉग हो तो उसमें भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो यार, अपने इंडिया में क्रिकेट वगैरह के फैन तो हैं ही सब। अब इससे होता क्या है बेनिफिट कि अगर आप अपनी वेबसाइट पर लाइव क्रिकेट स्कोर दिखाते हो ना, तो जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो अगर आपकी वेबसाइट पर लाइव क्रिकेट स्कोर दिख रहा होगा ढंग से अच्छे से ना, तो आपकी वेबसाइट पे ही बना रहेगा काफी देर तक। तो जब आपकी वेबसाइट में वो काफी देर तक रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो काफी कम हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके के छोटे मोटे प्लगइन जो है, जो सीजनल बेसिस पे जब भी कोई इस तरीके का इवेंट चल रहा हो ना, बड़ा इवेंट चल रहा हो, तो अपनी वेबसाइट पर दिखाने चाहिए। इसीलिए कई सारे लोग क्या करते थे, अपनी वेबसाइट पर कोरोना के केसेस वगैरह भी दिखा रहे थे, किसी भी चीज से रिलेटेड ब्लॉग था, बट वो कोरोना के जो डेली केसेस की उसकी भी एपीआई आती है, उसका भी प्लगइन आता है, तो उससे वो दिखा रहे थे। तो ऐसे ही इस समय आईपीएल सीजन चल रहा है, तो आपको आईपीएल का भी क्रिकेट स्कोर दिखा देना चाहिए अपनी वेबसाइट में। तो हम यही बात करने वाले हैं कि उसको आप कैसे दिखा सकते हो, कौन सा बढ़िया प्लगइन है। काफी सारे प्लगइन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वर्डप्रेस में भी कई सारे प्लगइन आते हैं, बट मैं एक कॉमन कोड की बात करूंगा जिसमें आपकी वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, चाहे वो वर्डप्रेस में हो या किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, ताकि आप बिल्कुल इजी तरीके से जो है वो लाइव क्रिकेट स्कोर दिखा पाओ जा करके। साथ में हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे थोड़ा सा हम इस चीज की भी बात करेंगे कि ये जो वेबसाइट है वो क्यों इस तरीके के प्लगइन या टूल प्रोवाइड करती है, उनका क्या बेनिफिट होता है। तो अब हम यहां पर गए, आपको कुछ नहीं करना, गूगल में जाना, लाइव स्कोर ऐसे करके आप टाइप कर देना और ये डाल देना बेटेस्ट करके, तो आपको मिल जाएगा भैया। जो भी कई सारी कंपनियां जिन्होंने इस तरीके के छोटे छोटे प्लगइन बनाए वो मिल जाएंगे। मान लीजिए हम पहली वेबसाइट पे हम चलते हैं, इसमें से एक वेबसाइट है जो मेरे को काफी अच्छी लगी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ रही है, ये मेरे को वेबसाइट जो है ना, ये मेरे को थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी थी। हाँ, पहले हम इस वेबसाइट की बात करें तो आपको काफी सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी, जो भी क्रिकेट के ऊपर काफी बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं ना, वो आपको काफी सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप जाओगे, आप यहाँ देख रहे हो, ये आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। तो आप इसका कोड आपको मिल जाएगा नीचे, आप यहाँ से कॉपी करोगे कोड और जहां पर भी आपको दिखाना हो लाइव क्रिकेट स्कोर आप इन्हें यूज कर सकते हो। इसमें कई सारी मल्टीपल थीम्स वगैरह भी है, तो ये तो हो गए। आप अपने हिसाब से काफी सारी वेबसाइटें ढूंढ सकते हो, प्लगइन आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। और जो इस तरीके के प्लगइन होते हैं ना, वो इसको जरा हम बंद करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं ना, जो इस तरीके के प्लगइन होते हैं वो इजीली तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाते हैं जाकर के। अब हम चलते हैं दूसरी वाली वेबसाइट में जो मेरे को काफी सही लग रही थी। अब इन्होंने क्या करा है, अपनी वेबसाइट पे एक यूआरएल ही बना दिया हुआ है, ये यूआरएल। इस यूआरएल को आप ऑटोमेटिकली आई फ्रेम के अंदर जो है वो अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हो, आई फ्रेम को उसकी हाइट पर सेट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हो। इसीलिए ही इन्होंने ये जो यूआरएल है ये जनरेट करा हुआ है। इसमें कुछ भी प्लगइन नहीं, कोई आपको थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं ऐड करना, बस एक आई फ्रेम के अंदर ये यूआरएल डाल दो। इसमें यूआरएल में क्या रहता है, देखो यहाँ पर अपकमिंग भी जो भी मैचेस अपकमिंग होने वाले हैं वो भी यहाँ पर दिखता रहेगा। बाय डिफॉल्ट जो लाइव स्कोर आपका चलेगा वो दिखेगा। अभी कोई ऐसा चल नहीं रहा, ये देखो यहाँ पर टाइम भी लिखा है कि इस टाइम पर यहाँ पर लाइव स्कोर जो है वो डिस्प्ले होने लगेगा। और यहाँ कंप्लीटेड पे जब हम अगर जाएंगे तो जो भी मैचेस वगैरह कंप्लीटेड हो चुके होंगे तो वो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। तो ये मेरे को काफी सिंपल स्लोअर लग रहा था। दूसरा क्या है, थोड़ा सा मेरे को यूजर फ्रेंडली भी लग रहा था, जैसे मैं इसको यहाँ पर छोटा क्लिक करता हूँ ना, ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली भी है, छोटा हो जाता है और अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप जाओगे, आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे ना, ये इम्बेड का बटन आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस इम्बेड के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इन्होंने एक सैंपल के तौर पर इन्होंने बता दिया है कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट पर ये जो है वो डिस्प्ले करना है। कुछ नहीं, वही आई फ्रेम के अंदर और वही वाला जो यूआरएल है, ये यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये वाला जो है, ये यूआरएल को सिर्फ इन्होंने आई फ्रेम में ले लिया हुआ है यहाँ पर, और उसकी जो भी आई फ्रेम है उसकी हाइट भी सेट कर दी है, फ्रेम बॉर्डर जीरो वो जीरो कर दिया ताकि कोई बॉर्डर ना आए जा करके, स्क्रॉलिंग यस कर दी हुई है कि अगर मान लीजिए इसका साइज बढ़ता है, जैसे अपकमिंग में गया लंबा हो जाता है ये, तो वहाँ पर एक स्क्रॉल भी जनरेट हो जाए जा करके। एक इन्होंने ये सैम्पल डेमो दिखा दिया, एक इन्होंने ये सैम्पल नीचे डेमो दिखा दिया विड्थ के फॉर्म में। अगर आपको कहीं टॉप पे दिखाना है, लंबा दिखाना है, तो आप इसको इस तरीके से विड्थ ज्यादा कर दोगे आई फ्रेम की, और साइड बार में अगर दिखाना है तो विड्थ की जो भी है विड्थ उसके हिसाब से मेंटेन कर लोगे। 320 होती है विड्थ की, जो स्टैंडर्ड आपकी चलती है साइड में, और वो मोबाइल फ्रेंडली भी रहती है। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, बस ये एक यूआरएल है जिसको आई फ्रेम के अंदर डाल करके अपनी वेबसाइट पर आप दिखा सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट मैथड, कुछ कोई कोड नहीं जनरेट करना है, कुछ नहीं जनरेट करना, बस ये जो यूआरएल जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा उसको ले करके बस उसे ही आप अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी जहां दिखाना हो आई फ्रेम के अंदर आप डिस्प्ले कर सकते हो। अब हम यार थोड़ा आगे ये बात करते हैं
ये जो वेबसाइट है उन्होंने ऐसा बनाया क्यों है? तो देखो यार, एक चीज सिंपल से समझो कि जब भी आप इस वेटेज को अपनी वेबसाइट पर लगाओगे जाकर, इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट पर लगाओगे जाकर के, तो जब आपकी वेबसाइट में कोई विजिटर आता है तो साथ में आई फ्रेम के अंदर ये वेबसाइट भी खुल रही होगी, मतलब ये वेबसाइट भी आई फ्रेम के अंदर एक्सेस हो रही होगी। तो जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट में आ रहा है तो साथ ही साथ एक हिट इनको भी मिल जाता है। जो भी आप इस तरीके के वेटेज लगाते हो, ज्यादातर आई फ्रेम बेस्ड ही होते हैं, तो एक विजिटर उनको भी चला जाता है। तो अब अगर कोई बंदा विजिटर आपकी वेबसाइट से इंगेज कर रहा है, इसका मतलब वो इनसे भी इंगेज कर रहा है। तो उस केसेस में क्या है, इन वेबसाइटों को भी काफी अच्छा जो है वो बूस्ट मिल जाता है, और क्या है, इनको बैकलिंक भी मिल जाता है कि जब कोई बंदा यहाँ पर डिटेल में किसी चीज में, देखो यहाँ पे इनकी वेबसाइट का, जब भी आप इसे आई फ्रेम में जनरेट करोगे भी ना, जो यहाँ पे छोटा सा अपन करके आ रहा है, तो साथ में देखो यहाँ पर आपका जो भी जिस भी वेबसाइट का आई फ्रेम आप इस तरीके से जनरेट करते हो, तो वहां पर देखो वेबसाइट का नाम भी लिखा रहता है। तो जब बंदा यहाँ से क्लिक करेगा तो इन्हें मिल जाता है प्रॉपर एक बैकलिंक। अब हम थोड़ा सा और एडवांस पे चलते हैं, ठीक है ना, कि अगर आपको भी इस तरीके के वेटेज क्रिएट करने हैं तो कैसे होते, कैसे क्रिएट है। तो उसके लिए यार सिंपल, यार ज्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत सारी जो कंपनियां उन्होंने ऑलरेडी ये क्रिकेट की एपीआई बना रखी है। तो अगर हम यहाँ लिखे क्रिकेट एपीआई, तो आपकी आपको काफी काफी सारी जो है वो वेबसाइट मिल जाएंगी। और ये जो वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जो क्रिकेट के ऊपर काफी कुछ लिखती हैं, क्रिकेट के ऊपर डिटेल या ब्लॉग करती होंगी, या क्रिकेट के ऊपर और भी डिटेलिंग इन्होंने कई सारी छोटे मोटे टूल्स बना रखे होंगे, तो वो सब बना कैसे रही है, वो इसी तरीके की एपीआई का यूज करें। जैसे ये वेबसाइट है क्रिकेट एपीआई, इसका तो नाम ही है cricketapi.com, नीचे आप देखेंगे तो क्रिक एपीआई करके है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइटों ने अपनी एपीआई दे रखी थी, वो यहाँ पर लिखा है क्रिकेट एपीआई। अब ये एपीआई भी देखो ना, जनरली दो तरीके की होगी, एक तो फ्री होगी, फ्री में आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा। लिमिटेड एक्सेस ज्यादातर एपीआई के कॉन्सेप्ट में, फ्री में लिमिटेड एक्सेस में यही होता है कि मान लीजिए डेली बेसिस में इन्होंने 100 हिट आपको दे दिए, 100 हिट में क्या करोगे कि भाई यहां से आपकी एक की जनरेट हो जाएगी। ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप गेट स्टार्टेड में जाओगे तो आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा, आपकी एक की जनरेट हो जाएगी। ये सभी ही हर तरीके के एपीआई में यही कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो होता है। तो एक की जनरेट हो जाएगी, की जनरेट होने के बाद आप उस की का यूज करके जो भी ये यूआरएल प्रोवाइड करेंगे उस यूआरएल पे आप हिट करोगे, हिट करने के बाद आपको जो भी डेटा है वो मिल जाएगा, उस डेटा को यूज करके आप अपनी वेबसाइट पर उसे डिस्प्ले कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे लिखा है देखो गेट सोर्स कोड पे भी, तो यहाँ पर जब स्टार्ट यूजिंग में जाएंगे तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके की एपीआई दी हुई है। देखो मैच लिस्ट एपीआई, स्कोर एपीआई, देखो प्लेयर स्टेट एपीआई, जिसमें प्लेयर का पूरा डेटा रहेगा, कितने कितनी सेंचुरी बनाई है नहीं बनाई है। हालांकि ये जो है, ये अगर आप एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, अगर आप एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड सोशल नेटवर्क वेबसाइट बनाने वाले हो, तो वो ज्यादातर वेबसाइट इसी तरीके की एपीआई का यूज करती हैं। और ये इस तरीके से देखो, जब आप हिट कराओगे यहाँ पे, मान लीजिए आपने एपीआई की डाल दी, और हिट कराने के बाद जो भी आपको डेटा है वो कुछ इस तरीके से डेटा मिल जाया करेगा, जेसन फॉर्मेट में। इसे आप रीड कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और अपनी वेबसाइट में जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट में स्टोर भी कर सकते हो। अब अगर देखो, आप फ्री वाला वर्जन आप यूज करने वाले हो ना, अगर जिसमें 100 हिट आपको मिलते हैं, ज्यादातर एपीआई वाली वेबसाइट में आपको फ्री और पेड दोनों मिलेगा। अगर आपके बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, बहुत ज्यादा आपकी मतलब वेबसाइट में आपको बहुत ज्यादा डेटा जो है वो रियल टाइम निकालना है, तो आपको भाई पेड वाला लेना पड़ेगा। बट अगर आप फ्री वाले पे जाओगे तो कुछ नहीं, एक बार हिट करोगे, मान लीजिए 100 बार आपने हिट करा, 100 बार हिट करने का जो भी आपको डेटा मिल रहा हो, तो उसे आप वापस से मत हिट करो, उसे आप अपनी वेबसाइट पे स्टोर कर लो, ठीक है ना। स्टोर करने के बाद जो भी अगला डेटा हो फिर अगले टाइम पे हिट कर लेना जाके। तो छोटे मोटे पर्पस के लिए फ्री वाला काम हो जाता है, बट अगर आपका बहुत एडवांस यूज है, आपकी एक एडवांस वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग टाइप की वेबसाइट है ना, तो भाई उस केस के लिए तो भाई आपको फिर जो है वो पेड वाला ही कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जो वेबसाइटें हैं जहां से आप ये रियल टाइम डेटा देख लेते हो छोटा सा प्लगइन का यूज करके ना, और ये देख लो, ये तो जो क्रिकेट एपीआई, ये देखो ये कहां कहां इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल में फीचर भी हो सकती है, मतलब काफी ट्रस्टेड जो है और काफी अच्छी जगह, बड़ी बड़ी जगह पर इसकी एपीआई जो है वो यूज करी जा रही होगी, खासकर क्रिकेट के लिए ही। आप देखो आईपीआई का देखो कॉम्बो प्लान, यहाँ देखो यहाँ पैसे वैसे दिए हुए हैं ना, तो इस तरीके से देखो ये पर मंथ कितना ज्यादा मतलब कि महंगा प्लान है। एक बार ये तो शायद लग रहा है कोई फ्री प्लान दे ही नहीं रही है ना, बट कई वाली वेबसाइट में आपको भी मैंने देखा तो उसमें ना फ्री प्लान भी मिल जाता है, फ्री में आपको लिमिटेड हिट मिल जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ओल्ड मैचेस का भी डेटा निकाल सकते हो, फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड अगर आप कोई ऐप बनाने वाले हो तो भी आपको प्लेयर की डिटेल चाहिए होगी ना, तो उस तरीके पे भी आप ये एपीआई लगा सकते हो। देखो यहाँ पे प्लेयर फाइंडर एपीआई भी है, तो काफी कुछ डिटेल यहाँ पर है, तो ये सब चीजें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये जो वेबसाइट है वो कुछ इसी तरीके से बनी हुई है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। और जो भाई मेन पर्पस था वो तो नॉर्मली यही था कि भाई आई फ्रेम के अंदर आप क्रिकेट का लाइव स्कोर दिखाओगे कैसे, बहुत सिंपल सा बेसिक था। वो जो मैंने यूआरएल था वो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बस इसको आई फ्रेम के अंदर डाल करके जैसा चाहे वैसा स्कोर आप अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हो, ठीक है, और यूजर को अपनी वेबसाइट से बेटर इंगेज कर सकते हो इस आईपीएल के सीजन में, ठीक है। तो आई होप आपको जो है इन्फॉर्मेशन वो समझ में आ गई होगी। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।